तो हेल फ्रेंड्स आज की इस लक्ष्य में बताने वाले हैं झारखंड क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स में कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट पॉइंट के से अगला इंपॉर्टेंट एम सी टेस्ट आज टेस्ट नंबर फोर है इसमें अब तक कोई टेस्ट नहीं दिया है टेस्ट वन टेस्ट टू टेस्ट थ्री तू, और उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट एम के भी वीडियो ऑलरेडी बनाया है सभी को देख लेना बाकी इसके अलावा मैंने फाइव मार्क्स वाले दो वीडियो बनाए हैं दोनों वीडियो को देख लेना और एक मैंने बताया था थ्री मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सभी को दिख लेना इन सभी को चीज़ों कम से कम एक बार अच्छे से देख लो है ना बाकी कम टाइम में है तो इतना आप कर सकते हो तो करता है पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन फील्ड का एसाइन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एसाइन यूनिट ठीक है, है, column, ना, होता है का it, तो पहली बात याद रखना जब भी टेस्ट दे रहे हो तो लाइव चैट में लाइव चैट जब चल रहा हो अभी तो अपना कमेंट एंसर कर रहे हो और वीडियो एंड होने के बाद कमेंट में बताना कि कितने में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आंसर आ गया फर्स्ट का डी क्वेश्चन पर बात करते हैं टू लिखता है एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटोन एन इलेक्ट्रॉन एंड एन आर प्लेट इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन कह वॉट विलेशन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन को हमने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो बताओ दोनों पर एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा तो ट्राई करो क्वेश्चन ठीक है तो बताते हैं देखो कहा कि दोनों रखा है दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो देखो बताओ क्या होता है फोर्स जो लगता है फोर्स का फॉमूला कहता है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज है ना क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई ठीक फोर्स जो लगेगा प्रोटोन पर उस electron, पर फोर्स लगेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन पर चार्ज सेम होता है तो उस पर भी चार्ज क्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा मतलब तो दोनों फोर्स बराबर हो गया ठीक अच्छा यानी दिस इम्पलाइट पहले वाले फोर्स ले सकते हैं पहला किस लेता है इलेक्ट्रॉन के लिए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्यू क्यू ई ठीक लिख सकते हैं और यहां से लिख सकते हैं हम लोग कि मास ऑफ प्रोटोन इंटू है ना एक्सेलेन ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू क्यू इन टू दोनों ठीक दोनों क्या करते हैं दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो so, से QE मर जाएगा ठीक so, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय प्रोटॉन है ना क्या हो जाएगा देखो तो जैसे लिखोगे दोनों के पहले क्या हो जाएगी तो देखो क्या है ना यहां पर दोनों मल्टीप्लाई हैं तो ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय

तो उससे क्या मिलता मतलब कि चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं है ना बस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे ऑब्जेक्ट से दूसरे पॉइंट में हम ट्रांसफर करते हैं तो कहता है कि कहीं ना हम चार्ज को ना ही क्रिएट कर पाएंगे ना ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे तो होता क्या है कि मान लो अगर एक बॉडी है ना तो सिंपल समझ लो कि अगर एक बॉडी है तो अगर इसमें से इतने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटोन है ठीक उसमें से अगर मान लो हमने अगर दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसमें यानी दो नेगेटिव चार्ज चला गया टू नेगेटिव चार्ज चला गया तो इसमें कितना आ जाएगा इसमें दो

यानी अगर कहां पर कॉन्स्टेंट पोटेंशियल हो गया मतलब पोटेंशियल अगर कॉन्स्टेंट हो गया ठीक तो याद रखना कि जब भी किसी भी टर्म को हम डिफेंशिएट करते हैं तो वैल्यू जीरो आ जाती है अगर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है इसको ते 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 तो मतलब के में केट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी कि जीरो मतलब डीवी बाई डी एस के लिए कितनी हो जाएगी जीरो मतलब कि बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या मतलब हुआ कि जहां पर पोटेंशियल नियत रहता है कॉन्स्टेंट रहता कौ है सामान रहता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र कितना होता है विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हमेशा

आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स बताओ फॉलोड बाई कंडलेटर या दोनों के द्वारा जल्दी बताओ। ना? तो याद रखना कि ओम्स लॉ किसके लिए लॉ को कौन फॉलो करता है तो लॉ को फॉलो करता है सिर्फ कंडक्टर सिर्फ चालक फॉलो कर, फॉलो करता है ओम्स क्या था कि वोल्टेज और करंट यानी अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा या फिर करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा और एक स्टेट लाइन आएगा ये कौन को फुलफिल करता है ये करता है सिर्फ कंडक्टर या इंसुलेटर के मतलब चालक के द्वारा क्वेश्चन बात करते हैं सेवन क्वेश्चन कौन है कौन होगा

ऑप्शन नंबर डीज द करेक्ट आंसर ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट वेन एमिटर इज इट्स रेंज इट्स मेजरिंग रेंज है ना एमीटर को जब सेंट किया जाता है तो उसकी रेंज क्या हो जाती है रेंज हमेशा बढ़ जाती है है ना कहते हैं रेंज हमेशा बढ़ जाती है आदत में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है ना क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन बी Such that, इस, इस तरह से घूम रहा है सच देट कि वो उसकी वेसिटी है वो मैगनीफीड के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो बताओ इस पर फोर्स है ना बताओ जल्दी फोर्स ऑफ हमला क्या होगा फिर आंसर कौन कर तो चले जाओ ठीक है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल फोर्स सा फॉर्मला होता है एफ का फॉर्मुला होता है क्यू वी बी साइन थीटा चार्ज क्यू है उसका वेग बी मतलब वेलोसिटी बी है मैग्नेटिक फील्ड बी है थीटा क्या एंगल उसने कहा यहाँ पर कैसा है परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना हो गया थीटा हो गया नाइन्टी डिग्री और इस प्रकार साइन नाइनटी की वैल्यू कितनी है साइन नाइन्टी डिग्री की वैल्यू होती है वन तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा एफ इक्वल टू हो गया क्यू वी बी ठीक है क्यू आ गया क्यू वी बी

क्या था क्यू वी बी साइन थीटा थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री क्योंकि राइट एंगल दिया थीटा 90 डिग्री तो साइट इलेवन तो पुट करो क्यूवी बी की कितना आंसर आ रहा है ठीक है तो क्या करना है सिंपल सी वैल्यू को पुट कर दो तो चार्ज कितना है क्यूपी वैल्यूट इंटू टेन रुपर माइनस पर से तो फाइव इंटू फोर हो गया ट्वेंटी है? तो है ना तो वन पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी इंटू टेन रूपर माइनस उन्नीस में सात गया तो बच जाएगा माइनस बारह ठीक सॉल्व करते हैं तो ये से ये चला जाएगा बत्तीस तो 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 यानी बत्तीस 10 टेन पावर माइनस बारह और लिख सकते हो चाहते इसको 3.2 पॉइंट टू इंटू पावर माइनस इलेवन न्यूटन ठीक है ये हो जाएगा फोर्स तो ध्यान से करना क्वेश्चन को एक आंसर आएगा होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर ठीक आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 कहता है एट रूम टेम्परेचर निकेल क्या है रूम तापमान पर निकेल शो करता है एक लॉल चुंबी के पदार्थ के साथ बताता है मतलब कि वो एक फेराटिक को शो करता है तो बताओ अगर इसकी टेम्परेचर को क्यू टेम्परेचर से हम बढ़ा दें यानी इफ द टेम्परेचर ऑफ निकल इज इंक्रीज एवर क्यू टेम्परेचर तो ये क्या बन जाएगा मैंने कहा था कि अगर एक पैरामेटिक सब्सटेंस को क्यू को अगर हम हीट करते हैं और उसका तापमान क्यू टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए है ना एक एफिक सब्सटेंस को क्यू टेम्परेचर से ज्यादा अगर हम हीट कर दें तो वो कैसा बिहेव करता है वो बन जाता है एक फेट पैरामैगटिजन मतलब एक बन जाता है वो अनुचुंबकीय ऑप्शन नंबर एक द करेक्ट आंसर ठीक है जल्दी बताओ कितने का करेक्ट आंसर आया बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सेम क्वेश्चन आ गया चलो ट्वेल्व नहीं है आते क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है ना द फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है है ना इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मुला कैसे निकालोगे तो मैंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मला याद रखना इंपॉर्टेंट है ना इंपॉर्टेंट है याद रखना हम निकालते कैसे ऐसे का so, फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया ठीक अब मैग्नेटिक फील्ड का कैसे निकालोगी तो, तो तो, बी का फॉर्मूला क्या हो गया फोर्स डिवाइड बाई चार्ज इंटू तो लिख सकते हैं इसको फोर्स डिवाइड बाई चार्ज इंटू वेटी इंटू एरिया ठीक फोर्स का पता होना चाहिए क्या होता है एम एल टी माइनस टू ठीक एरिया का डायमेंशन होता है एल टू ठीक चार्ज का डायमेंशन होता है ए टी ठीक और का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन ठीक सॉल्व करते हैं यहां पर क्या क्या आएगा देखते हैं एक सॉल्व करके क्या करना चाहिए तो पहली बार देखो टी माइनस वन से टी चला गया ठीक नीचे का एक एक ऊपर का एल को मार दिया तो डायमेंशन क्या बच गया एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन ठीक है कितना आएगा एम एल टू है ना एम एल टू टी माइनस टू और ए माइनस वन है ना ये इसका करेक्ट आंसर है है ना ये इसका करेक्ट आंसर ये है ठीक है तो बताओ करेक्ट आंसर कितना करेक्ट आंसर है कोई यहां पर तो यहां पर कोई आंसर नहीं है नो ऑप्शन करेक्ट है ना नो ऑप्शन करेक्ट इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है ठीक है नो ऑप्शन करेक्ट इसमें कोई भी सही नहीं है है ना नन कोई भी सही नहीं इसमें बात समझ आ गया ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तेरा उसमें तेरा आता है द डायमेंशन फार्मूला फॉर इंडक्टेंस इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मुला क्या होता है अब ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अलग है ना नहीं आता तो देखो कैसे लिखते हैं है? अभी पता जो इमेज का फॉर्मूला होता है होता by DT. है एल डी आई बाई डी टी ठीक पढ़ा है तो so, एल का फॉर्मूला क्या हो गया ईम एफ ई इन टू डी टी ठीक? अब देखो सिंपल याद रखो ना अब ई e बाई डी टी होगा क्या ई e होता है वोल्टेज है ना वोल्टेज को लिखते हैं वर्क डिवाइड बाई चार्ज वर्क डिवाइड बाई चार्ज ऊपर हो जाएगा डी टी टाइम नीचेगा डी आई करेंट वर्क का डायमेंशन होता है याद रखना एम एल टू टी माइनस टू ठीक टाइम का डायमेंशन होता है टी चार्ज का डायमेंशन होता है ए टी ठीक और करंट का डायमेंशन होता है ए तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है कैंसिल सो टी टी से तो ती ती मर जाएगा ठीक सो डायमेंशन क्या आएगा डायमेंशन आ जाएगा देखो ऊपर से एम ठीक एल टू टी माइनस टू और हो जाएगा ए माइनस टू ठीक है तो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू करेक्ट आंसर कौन सा हमारे ऊपर एम एल टू टू टी माइनस टू ए माइनस टू ए इज द करेक्ट आंसर है ना यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर दोनों सेम हो गया था इसको ए कर लेना वैसे ए और डी दोनों सही लग रहा है ठीक सो अल्टरनेटिंग करंट को करेंट 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 करेंग करेंग कैसे बना सकते, कैसे हम सकते हैं डायनेमो के द्वारा इसके द्वारा डायनेमो डायनेमो एक डिवाइस होता है जो आपके बाइक में लगा होता है ना बाइक में आपकी बैटरी चार्ज कैसे होती है बाइक की बैटरी चार्ज होती है डायनेमो के द्वारा Dynamo क्या करता है डायनो व्हील के साथ घूमता है और वो इलेक्ट्रिक वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है जिससे हमारा बैटरी चार्ज होता है बात आ गया? बात करते है, 15. ना अगर पीक वैल्यू करंट की आई नॉट है तो बताओ इसकी आर एम एस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता तो आई आर एम एस का फॉर्मुला होता है आई नॉट डिवाइड बाई रूट टू है ना करेक्ट आंसर so हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सोलह कहता है कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मेड लेमेड बिकॉज है ना कहता है जो ट्रांसफॉर्मर का कोर होता है बीच में ट्रांसफर्मर का जो कोर होता है उसको हम लोग लेमिनेट कर तो तो सो, सो क्या कर रखते हैं मतलब प्लास्टिक से क्यों क्या जाता है ठीक है क्योंकि इसके द्वारा तो हम क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मर को जब करते हैं है ना इसमें से करंट पास करता है कॉइल के द्वारा तो ये हीट होता है हीट होता है एक तो ये जिन हो गया दूसरा और क्या होता है कि इसमें एडी करंट जनरेट होते हैं ना क्या होता है एडी करंट जनरेट होते हैं अब एडी करंट जो जनरेट होगा उसको रोकना है तो करंट को रोक कौन सकता है इंसुलेटर है ना इसलिए क्या ना होता है इसलिए हम करते हैं इसको लेमिनेट कर देते हैं लेमिनेट से क्या होता है कि एडी करंट पास नहीं हो पाता है

तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी कह रहा है कि लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेब रेडियो वेब से कम होती है है ना क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि माइक्रोवेव की रेडियो से कम होती है गलत है होगा मोर देन है ना याद रखना फ्रीक्वेंसी जो होती है माइक्रोवेव की देखो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होता है फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है गामा का इससे कम होता है एक्सरे का इससे आता है अल्ट्रा वैलिट. फिर आता है विजिबल है ना फिर आता है इंफ्रारेड ठीक इससे कम होता है हमारा माइक्रोवेव का और सबसे कम होता है रेडियोवेब का ना, तो है ना फ्रिक्वेंसी तो कह रहा है द फ्रिक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी वो रेडियो वेब से हमेशा ज्यादा होती है ना माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेडियो से हमेशा ज्यादा होती है ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर आते क्वेश्चन नंबर अट्ठारह करते इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप कह रहा है इमेज हम जो बनाते हैं ना इमेज जो फॉर्म होता है सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा ठीक है इमेज जो फॉर्म होता है सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा कैसा बनता है तो इमेज जो बनता है सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा वो तो एक सीधा होता है है ना और मैग्नीफाइड होता है है ना एक इमेजनरी होगा सीधा दोनों होता है ठीक है याद रखना कि अगर सिंपल माइक्रोस्कोप बनाओगे ऐसे और अगर यहां एक ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका जो इमेज बनता है इधर बनता है इमेज इधर ऑब्जेक्ट उधर ही बनता है इसका इमेज ये ब्लू कलर का बन गया इसका इमेज ठीक तो एक तो पहले सीधा होगा सीधा मतलब कि इलेक्ट होगा दूसरा ये इमेजिनरी होता है ठीक है ये क्या होता है, है इमेजिनरी तो कनेक्ट काल्पनिक बनेगा और इरेक्ट बनेगा मतलब करेक्ट और और आंसर बात करते है द रिफ्क इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर फोर बाई थ्री एंड थ्री बाई टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो वाटर का है वो फोर बाई थ्री है ठीक है

करेक्ट आंसर आएगा एट बाई नाइन ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर बात समझ आ गया आते क्वेश्चन हम बीच की तरफ कह रहा है अकॉर्डिंग टू हाइजींस है ना हाइजींस के द्वारा द वेव ऑफ लाइट वेव है ना कह रहा है जब हाइजींस ने बताया था कि लाइट एक वेव होती है तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये लाइट वेव क्या होती है है ना तो ये यांत्रिक होती है मतलब मैकेनिकल होती है और ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है ट्रांसफर्स ने बी नंबर कि ये मैकेनिकल होगी और ट्रांसवर्स होगी

लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल रहा है इंसिडेंट होती है लाइट ऐसे आती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यहाँ से कौन निकलते यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन है ना रहा है इस, इस फिना या इस घटना को क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं इस हम है लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या बोलते हैं प्रकाश का वैद्युत उत्सर्जन बोलते हैं क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है 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 ना The energy of hydrogen atom, ना क्या होता है? कहता है आँचेन, 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 क्या होता कहता देखो की कि किसी एटम, एक हमेशा के एटम में से, एक को उस एटम से हमें लिए है ना एक एटम को जिससे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया ठीक का एटम है तो इसका आउटर मोस्ट में एक ही ऑर्बिट होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी तो क्या होता है कि हमें इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर जाना है हमें इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोन आइटम से बाहर निकालना है तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इसे एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी से बोलते हैं आयन ऊर्जा ठीक तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती है तो एनर्जी होता है हमारा थर्टीन पॉइंट सिक्स याद रखना प्लस में होना चाहिए ठीक है बोलते हैं प्लस थर्टीन प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है यूनिट होता है एनर्जी का यूनिट होता है यह भी याद रखना इलेक्ट्रॉन वोट इधर यूनिट ऑफ एनर्जी ये भी फोर कह रहा है, है ना एक निकलिया ऐसे गिवन है और एक और निकलियान थर्टी सिक्स कह रहा है दोनों में अंतर क्या है तो ध्यान दो इसे बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो जितने प्रोटॉन वहां उतने प्रोटॉन यहाँ भी है ठीक अच्छा और कितने न्यूट्रॉन है तो पहले वाले में जो न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा तो है तो इस 35 में से को ना न्यूट्रॉन तो कैसे पहले वाले में? दूसरे वाले न्यूट्रॉन्स होंगे तो दूसरे वाले में अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या है इसमें यहाँ थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स में से को घटाएंगे हम सत्रह को तो सत्रह घटाएंगे कितना आएगा यहाँ आएगा ना पहले में कितना था थर्टी फाइव में से इधर अट्ठारह आया था ठीक है और यहाँ पर कितना आएगा है ना यहाँ पर आएगा आपका उन्नीस कितना आ जाएगा उन्नीस ठीक है तो मतलब ये क्या है किस में यानी सेकंड वाले में एक प्रोटॉन ज़्यादा है इसमें वन मोर प्रोटॉन है ना इसमें एक ज़्यादा न्यूट्रॉन प्रोटॉन है न्यूट्रॉन तो बराबर इतने न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो बोलेंगे ए सेवनटीन एट वन मोर न्यूट्रॉन है ना इसके पास एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है प्रोटोन तो दोनों बराबर है सत्रह सत्रह न्यूट्रॉन दूसरे वाले में ज्यादा है कितना एक ज्यादा पहले वाले में अठारह था दूसरे वाले में कितने न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन है तो दूसरे वाले में बोलेंगे एक है. ठीक बात आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द बेसिक गेट्स आर है ना बेसिक गेट कौन कौन होते हैं ठीक है तो बेसिक गेट हम बोलते हैं एंड को और को और नॉट को है ना एंड और एंड नॉट दिज गेट आर कॉल्ड बेसिक गेट ठीक है और यूनिवर्सल कौन होता है ये भी रखना यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं तो जो यूनिवर्सल गेट होते हैं इसका नाम भी रखना यूनिवर्सल गेट होते हैं हमारे नौर और नैंड है ना नौर और नैंड आर यूनिवर्सल गेट हैं सारित्रिक गेट बोलते हैं तो दोनों याद रखना ठीक तो आज था इतना हमारा मिनट क्वेश्चन जो था। पूरे चैप्टर से बताया है ना अच्छे तरीके से पढ़ लेना कर लेना मैं पीछे कर रहा हूँ जितना मैंने अब तक टेस्ट लिया है फाइव मार्क्स का क्वेश्चन जितना बताया सब सबको कर लो है ना टेलीग्राम में ग्रुप में जाओगे वहाँ पर बच्चे पूछते हैं तो बता दो उनको कि सब कुछ अपलोड है वीडियो में है ना सबका लिंक हम सेंड करेंगे बाद फिर से बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना ग्रुप को ज्वाइन कर लेना लिंक का जितने भी का लिंक है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ से ज्वाइन कर लो है ना चाहे टेलीग्राम हो यूट्यूब हो इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो चाहे फिजिक्स पढ़ना हो तो फिजिक्स होता है सिंह है ना ये हमारा चैनल है इसका भी लिंक मिल जाएगा वीडियो में तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लो बाकी एक और लास्ट टेस्ट हम कर लेंगे ताकि फिर आपका फिफ्टीन को फाइनल एग्जाम हो जाएगा फिर से देखना एग्जाम के लिए जितना आता है लिख के आना है छोड़ना नहीं है ना जितना कुछ पढ़ा है लिख के आओ तो ही पास होगे ना पास हो जाओगे याद रखना गारंटी पास हो जाओगे लिखोगे तो पास हो जाओगे ठीक है लेकिन लिख के आना है छोड़ना कुछ भी नहीं है ठीक है